राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई एचएम सेकंड भर्ती परीक्षा में बीए एसटीसी में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने आरपीएससी सचिव को ज्ञापन सौंपा और अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शैक्षणिक और अशैक्षणिक योग्यताओं में अंतिम वर्ष में शामिल अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन हाल ही में एचएम सेकंड भर्ती परीक्षा में बीएड अंतिम वर्ष के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें बीएसटीसी के पश्चात 5 वर्ष का अनुभव है, उन्हें तकनीकी कारणों से इस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा, जिसके चलते अभ्यर्थी बीएड अंतिम वर्ष के करीब 3,000 छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ओपनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहे, जिससे बीएसटीसी के साथ 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले और बीएड अंतिम वर्ष के छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए। इसी मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आरपीएससी सचिव को ज्ञापन सौंपा और तकनीकी कारणों से वंचित रहे अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने की मांग की। विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें अन्य जो विज्ञप्तियाँ हैं जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की जो है, सेकंड ग्रेड की, उनमें सब में जो बीएड के जो अभी अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनको अपेयरिंग का ऑप्शन दिया गया है, मगर इस भर्ती में किस कारणों से, तकनीकी कारणों से या किसी कारणों से इसमें अपेयरिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो 5 साल का अनुभव जो राजकीय कर्मचारी सेवा में जो टीचर है, जो 5 साल का अनुभव रख रहे हैं मगर अभी अंतिम वर्ष में बीएड कर रहे हैं, उनको अपेयरिंग का ऑप्शन ना देने की वजह से आज हम यहाँ पर सचिव महोदय से मिलकर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमें इसमें जो तकनीकी खामियां रही है उसको दूर करते हुए हमें भी इसमें शामिल किया जाए। काफ़ी जो बच्चे अभ्यर्थी हैं जो इतनी बड़ी जो भर्ती आई है एचएम की, उससे वंचित रह जाएंगे, तो इसमें अपीयरिंग का ऑप्शन जो पोर्टल पर नहीं आ रहा है तो अपीयरिंग का ऑप्शन जो जोड़कर हमें भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।